गोरी और काली बहू की गर्मी। देखो शारदा, हर बार तुम्हारी मनमर्जियां नहीं चल सकती है। मैं मेरे दोस्त को जुबान दे चुका हूँ, मेघा ही इस घर की बड़ी बहू बनेगी। तो फिर ठीक है, तुमने उस काली कलूटी को बहू बनाने की ठान ली है तो ठीक है, करो अपने मन की। मगर ऋषभ की शादी मेरे पसंद की गई लड़की कीर्ति से होगी। शारदा और सुधाकर के दोनों बेटे संजीव और ऋषभ की शादी मेघा और कीर्ति से हो जाती है और दोनों बहू बनकर ससुराल आती है। जहां मेघा का रंग बहुत ही काला था, वहीं कीर्ति दूध के जैसे गोरी चिट्टी थी। बस उसी सुंदरता को देखकर शारदा ने अपने छोटे बेटे की शादी कीर्ति से कर दी। जहां ससुराल की दहलीज पर खड़ी कीर्ति अपनी सुंदरता पर नखरे दिखाते हुए कहती है, ओ गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। सासुमा, क्या मैं अपने कमरे में जाऊँ? अरे हाँ हाँ बहू, जा। कीर्ति के जाने के बाद शारदा मेघा का स्वागत किए बिना ही सोफे पर बैठ जाती है। मेघा जैसे अपने बेडरूम की ओर बढ़ने लगती है, शारदा उसे रोकते हुए बोलती है, अरे ओ नजर बट्टू, कहाँ चल दी? ये बिखरा घर क्या तेरा बाप आकर साफ करेगा? माँ आप भी ना, सफाई तो सुबह भी हो सकती है ना, भाभी तो कहीं नहीं जा रही, अभी थकी हुई है वो। नहीं निकिता, मैं सफाई कर दूंगी, तुम जाओ। शादी के पहले रात ही मेघा को उसके गोरे ना होने की गलती पर पूरे घर को साफ करना पड़ता है, जिस कारण उसे सोने में 2 बज जाते हैं। और सुबह के 5 बजते ही मेघा आधी अधूरी नींद के साथ उठ जाती है। मेघा, अरे कहाँ जा रही हो यार, वैसे भी रात को इतने देर से सोई थी। मगर आज ससुराल में मेरी पहली रसोई है और मैं दिल से इसे निभाना चाहती हूँ। बेचारी काली बहू जबरदस्ती जागकर भारी गर्मी में साफ सफाई करके नहा धोकर सीधे किचन में आकर सभी के मनपसंद का खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है, जिसके बाद पूरे घर वाले खाने की मेज पर आ जाते हैं। जहाँ कीर्ति जानबूझकर नखरे करते हुए कहती है, ओह गॉड जेठानी जी, दिस इज टू मच, इतनी गर्मी में इतना स्टिकी और हैवी खाना कौन खाता है? मगर कीर्ति, आज पहली रसोई की रस्म थी और उसमें तो यही सब बनाया जाता है, भाड़ में गई रस्म। अरे बॉडी मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। सच बात तो ये है कि आपको मेरी गोरी चिट्टी रंग और सुंदरता से चिढ़ है, जिसे खराब करने के लिए आपने ऐसा खाना बनाया है। हद होती है नखरे की, एक तो बड़ी भाभी ने गर्मी में पसीना बहाकर हमारे लिए इतना कुछ बनाया और आप उसमें कमी निकाल रही हैं। अगर आपको भाभी का बनाया खाना नहीं खाना तो अपना हाथ पाँव चलाइए और किचन में जाकर बना लीजिए आपको जो खाना है। निकिता को काली बहू के बचाव में बोलता देखकर सास का खून खौल उठता है। निकिता खबरदार जो बीच में बोला, पता नहीं इस काली चुड़ैल ने मेरी बेटी को ऐसी भी कौन सी घुट्टी घोलकर पिला दी है जो ये उसकी चहेती बन गई है। अरे ओ कोयला खदान, तू खड़ी क्या है? जा, जाकर मेरी बहू के लिए ऑरेंज जूस बना कर ला। जी माँ जी। बेचारी काली बहू रोते हुए रसोई घर में आकर कीर्ति के लिए जूस बनाकर देती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, जिसके साथ गर्मी और बढ़ जाती है। इसे देखकर शारदा अपनी गोरी बहू के साथ मिलकर काली बहू का जीना मुहाल कर देती है। मेघा, अरे ओ मेघा, कहाँ मर गई? बेचारी बहू बर्तन छोड़कर भागी भागी बाहर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया। क्यों री कलमुही, अरे कान क्या कोल्हापुर कुरियर कर दिए हैं जो एक बार में सुनती नहीं? माँ जी मुझे तो लगता है चेहरे की तरह कानों में भी काले रंग की धूल भर गई है। दोनों सास बहू जोर जोर से हंस हंस कर बेचारी काली बहू की हंसी उड़ाते हैं, जिसे मेघा को मन ही मन बहुत बुरा लगता है। कीर्ति, आखिर तुम्हें मेरे काले रंग का मजाक बनाकर क्या मिलता है? बहुत मजा आता है। वैसे पॉइंट पर आते हैं, वो ना मुझे कुल्फी खाने का बड़ा मन कर रहा है। जाओ, जाकर मेरे लिए बाहर से कुल्फी लाओ, मगर अभी तो बाहर बहुत ही घनी धूप घिरी हुई है। अरे तू कौन सी रूप की रानी है जो धूप में जाते तेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा मेरी बिल्लो रानी। चल ये पकड़ पैसे और मेरी कीर्ति बहू के लिए काजू बादाम वाली कुल्फी ले आ। ना चाहते हुए भी बेचारी काली बहू को चिलचिलाते गर्मी में नंगे पांव बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि कीर्ति और शारदा ने सारी चप्पलें पहले ही छिपा दी थी। आह माँ, मेरे पांव, गर्मी के कारण पूरी जमीन तबे की तरह तप रही है। मेघा कुल्फी लाकर कीर्ति को दे देती है। तभी मेघा की नजर अपने पैरों पर पड़े छाले पर जाती है। फिर भी वो अपना दर्द मार कर सारा दिन काम करती रहती है। तभी उसके पाँव में पड़े छालों से खून फर्श पर लग जाता है, जिसे सुधाकर देख लेता है। अरे बड़ी बहू, अरे तेरे पाँव से खून बह रहा है बेटा। अरे निकिता बेटी, अरे जरा देख तो सही। पिताजी, भाभी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं,
चलिए भाभी। अरे तुम दोनों बाप बेटी का बस चले तो इस फूल कुमारी को कुछ करने ही ना दो। अरे ऐसी काली बहू के मरने से भी क्या गरज पड़ जाएगा। इसे कमरे में लेकर चली जाएगी तो ये जो बाकी का काम पड़ा है ये कौन करेगा। अरे भाग्यवान, तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है कि नहीं? अरे बेचारी बहू का पैर खूनम खून हो रहा है और तुम्हें काम की पड़ी है। अरे छोटी बहू जब तक बड़ी बहू के घाव नहीं भरते हैं तू करेगी काम। समझ में आया हमारा बात? अपने ससुर के बातों में उभरे गुस्से को देखकर कीर्ति किचन में चली जाती है, मगर खाना बनाते वक्त गर्मी से उठ रहे भपके से किचन का कोना कोना भर जाता है, जिस कारण कीर्ति को पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। ओह गॉड, मेरे पूरे शरीर में इतनी खुजली हो रही है। कीर्ति कच्चा पक्का खाना बनाकर सभी को दे देती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और सारा काम सर पर पड़ जाने के कारण गर्मी से गोरी बहू बदहाल हो जाती है। उसके चेहरे पर खूब सारे फोड़े फुंसियां निकल आते हैं, जिससे घिन करते हुए शारदा कहती है, राम राम राम। अरे छोटी बहू, ये फोड़े फुंसी की लस्सी किसे लगा लाई? दूर रह मुझसे। खुजली और जलन के मारे कीर्ति जोर जोर से रोने लगती है। तभी मेघा बाहर आकर उसे गले लगा लेती है। कीर्ति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हे भगवान, तुम्हारा शरीर तो गर्मी के घमोड़ियों से भर गया है, चलो मेरे साथ। मेघा कीर्ति को कमरे में लाकर उसके घमोरियों पर बर्फ रगड़ती है, जिससे घमोरियां बिल्कुल हल्की हो जाती है। और दो दिन बाद कीर्ति पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो अपने किए पर पछताते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मेघा भाभी, मैंने आपको हमेशा आपके काले रंग को लेकर ताना कसा, मगर जब तक आपका दर्द महसूस कर पाई तब तक मेरी सुंदरता इन घमोड़ियों से घिर गई, और सासू माँ ने मेरे साथ वही सलूक किया जो आपके साथ इतने दिन से हो रहा था। आज ये साफ नजर आ गया कि सासू माँ किसी की भी सगी नहीं। कीर्ति की फटकार से शारदा का सर जमीन में गड़ जाता है। तभी मेघा बोलती है, ऐसा नहीं कहते कीर्ति, माँ जी जैसी भी है वो हमारी सास है, और फिर हर सास चाहती है कि उनके घर सुंदर बहू आए, मगर मैं ठहरी काली। मेरे मन में माँ जी के लिए कोई गिला नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है। अपनी काली बहू के मन में हर हालातों में सभी के लिए इतना प्यार देखकर शारदा मेघा के माथे को चूमकर बोलती है, मेघा बहू तू बहुत सुंदर है, बस तेरी ये सास तेरे मन के अंदर झांक कर देख ना सकी। तू तो खरा हीरा है, ये मेरी खुशकिस्मती है जो मैं तेरी सास हूँ। उस दिन के बाद शारदा अपनी दोनों बहुओं को एक बराबर दर्जा देने लगती है, और काले गोरे की नफरत की नींव हमेशा के लिए प्यार में बदल जाती है। वहीं कीर्ति भी मेघा के हर एक काम में उसका हाथ बटाती है।